नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बोट और स्ट्रीम से जुड़े हुए सवाल। पहले हमने कुछ सवालों को देखा था, आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और सवालों को देखेंगे। एक सवाल देखते हैं। मान लीजिए एक नाव 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है और डाउनस्ट्रीम अर्थात अनुकूल प्रवाह में उसे तय करती है 4 घंटे में एवं अपस्ट्रीम में तय करती है 5 घंटे में। तो शांत जल में नाव की रफ्तार क्या होगी, नाव की स्पीड क्या होगी शांत जल में? तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि दो स्थान जो हैं, दो पॉइंट जो हैं, उनके बीच की दूरी है 20 किलोमीटर और अगर वो डाउनस्ट्रीम में जाती है तो 4 घंटे में पहुंच पाती है और अपस्ट्रीम में अगर वो जाती है तो 5 घंटे में। तो इस प्रकार के सवाल में हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या आंकड़े दिए गए हैं। हमें दी गई है दूरी, समय जो तय करने की है। अब इसमें हम एक फॉर्मूला है जो रफ्तार जो है गति जो होती है वह होती है दूरी बटे समय, इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो दूरी है, मान लीजिए डाउनस्ट्रीम पे दूरी है 20 किलोमीटर और समय लगता है 4 घंटे, तो ये होगा 5 किलोमीटर, जो स्पीड है इसकी 5 किलोमीटर पर आवर। जो अपस्ट्रीम है अर्थात प्रतिकूल प्रवाह, उसमें होगा 4 किलोमीटर पर आवर। अब हम जानते हैं कि जो शांत जल में गति होगी नाव की, स्पीड इन साइलेंट वाटर स्टील वाटर, वो होगी डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2 अर्थात 5 + 4 = 2 अर्थात 4.5 किलोमीटर पर आवर। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जो रफ्तार है वह धारा की क्या है। धारा की रफ्तार वो होगी डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2 अर्थात 5 - 4 / 2 अर्थात 0.5 किलोमीटर पर आवर। ये होगी धारा की रफ्तार। हम एक और सवाल देखते हैं, ध्यान से देख सुनिएगा इसे। मान लीजिए एक नाव 1 घंटे में अनुकूल प्रवाह में जाती है, डाउनस्ट्रीम अर्थात अनुकूल प्रवाह में उसे 1 घंटा लगता है और वह वापस आती है प्रतिकूल प्रवाह अर्थात अपस्ट्रीम में 1 घंटे 30 मिनट में, और धारा का प्रवाह 3 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की रफ्तार क्या हो? आंकड़े हमें दिए हैं अनुकूल प्रवाह अर्थात डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे में जाती है उतनी ही दूरी, अपस्ट्रीम में 1 घंटे 30 मिनट, और धारा की रफ्तार जो है वह दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की रफ्तार क्या होगी? नाव की रफ्तार हमें इसमें ज्ञात करना है शांत जल में क्या होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें दिया गया है डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लगते हैं, अपस्ट्रीम में 1.5 घंटे लगते हैं, धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर पर आवर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए नाव की रफ्तार एक्स घंटे है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, मान लीजिए ये माना गया है ना, ये फिक्स नहीं है लेकिन माना गया है। तो डाउनस्ट्रीम में कितना जाएगा, x+3, अपस्ट्रीम में कितना जाएगा, x-3, ठीक है। अब ये दूरी जो है, अगर
डाउनस्ट्रीम यहाँ से जो दूरी देखते हैं, मान लीजिए दो स्थान की दूरी है, डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में, दोनों में समान दूरी लगेगी, उसी में ही जाना है और उसी में ही आना है। तो यहाँ पे हमें समय दिया गया है, दूरी दी गई है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड है ये, तो दूरी जो है, दूरी वन इक्वल टू दूरी टू। और दूरी क्या होता है इसमें, रफ्तार एक्स प्लस थ्री इंटू वन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री इंटू 1.5 घंटे, इसे हम 3/2 भी लिख सकते हैं। ये हो गया 3/2। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x+6 इक्वल टू 3x-9, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 15। अर्थात जो रफ्तार है नाव की वह है 15, और जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 15+3 अर्थात 18, और अप स्ट्रीम में जब वो आएगा तो 15-3 अर्थात 12 किलोमीटर पर आवर। तो इस रफ्तार से जाने पर जो दूरी है वह तय करने में, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में 1 घंटे जाता है, तो 1 घंटे में अर्थात 1 घंटे में 18 किलोमीटर दूरी है हमारी, और जब वो अप स्ट्रीम में आएगा तो पहले घंटे वह 12 किलोमीटर तय करेगा, फिर दूसरे घंटे वह आधा इसका 6 किलोमीटर अर्थात 18। तो डाउन स्ट्रीम 18, अप स्ट्रीम 18, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। हम कुछ और प्रश्न देखते हैं। शांत जल में एक नाव चल रही है, जब चलती है तो वह 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। 20 किलोमीटर पर आवर शांत जल में चल पाती है, और अपस्ट्रीम में 10 किलोमीटर का सफर तय कर पाती है, तो डाउन स्ट्रीम में कितनी दूरी चलेगी 1 घंटे में। अर्थात शांत जल में रफ्तार दी गई है 25 किलोमीटर पर आवर, और 1 घंटे में अपस्ट्रीम में अर्थात प्रतिकूल प्रवाह में, एक जो प्रतिकूल और अनुकूल प्रवाह वो पहले देखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। प्रतिकूल प्रवाह अर्थात मान लीजिए कोई नदी है, जैसे ये नदी है, यहां पर ये नीचे उतरती है, नदी का जो बहाव रहता है वह धरातल के आधार पर रहता है, यहां कोई नदी बह रही है, तो जब डाउन स्ट्रीम आएगा अर्थात नीचे का एरिया आएगा, तो नदी इधर बहती है इस तरफ, तो हमेशा पानी का बहाव जो है वह धरातल पे ऊपर से नीचे की ओर रहता है, तो हम इसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और अर्थात इस दिशा में आने को डाउन स्ट्रीम, डाउन की ओर आना अर्थात अनुकूल प्रवाह, प्रवाह के साथ, और जब हम नाव को उल्टी दिशा में ले जाते हैं तो इसे प्रतिकूल प्रवाह कहते हैं, अप स्ट्रीम। ये होता है प्रतिकूल प्रवाह धारा के साथ, धारा इस तरफ बह रही है लेकिन नाव जो है वह इस तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तो ये अपस्ट्रीम। अगर नाव आता है हमारा नीचे साइड अर्थात धारा के साथ, तो इसे कहेंगे प्रतिकूल प्रवाह। इसमें स्पीड तेज रहेगी हमेशा, और इसमें स्पीड हमेशा कम रहेगी, क्योंकि ये धारा के खिलाफ जाएगी, जो फोर्स है पानी का उसके विपरीत में। तो अभी जो दिया गया है नाव की चाल, नाव की स्पीड, स्पीड ऑफ नाव, तो ये है हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर। और अप स्ट्रीम में नाव कितना जाती है, अभी आपने नोट किया 10 किलोमीटर 1 घंटे में, तो डाउन स्ट्रीम में इतने ही देर में अर्थात इतनी ही दूरी को जो 1 घंटे में तय कर रहा है अप स्ट्रीम में, उसको डाउन स्ट्रीम में कितने समय में, अर्थात इतने ही दूरी को कितने समय में वो क्रॉस कर पाएगा, अर्थात यहां भी 10 किलोमीटर जाना है उसको डाउन स्ट्रीम में, और कितने देर में यह आ पाएगा। तो धारा का प्रवाह 25, अप स्ट्रीम में जाता है 10 किलोमीटर,
तो धारा का प्रवाह क्या होगा, चूंकि ये दिया हुआ है हमारे पास अपस्ट्रीम में 10 किलोमीटर, तो जो नाव की रफ्तार है वह 25 है, और अपस्ट्रीम में चाल 10 किलोमीटर है। तो हम देख सकते हैं जो अपस्ट्रीम में जो स्पीड रहता है वह होता है नाव की रफ्तार प्लस धारा की माइनस धारा की रफ्तार। तो इसे इस तरफ ले आएंगे तो नाव की रफ्तार क्या होगी, 25 माइनस 10 अर्थात 15 किलोमीटर पर आवर, ये होगी धारा की रफ्तार आपकी। अब अनुकूल प्रवाह जो है, हमने अभी देखा धारा की रफ्तार है 25। अब हमको ये मिल गया है कि हमारे नाव की रफ्तार क्या है, क्योंकि धारा और ये इससे मिल गया हमें नाव की रफ्तार, ये नाव की रफ्तार आ गई है। एक मिनट, ये नाव की है और ये धारा की है, जो धारा की रफ्तार वह है 15 किलोमीटर, नाव की रफ्तार है 25 किलोमीटर। तो अनुकूल प्रवाह में डीएस में आपका डीएस में स्पीड इक्वल टू 25 प्लस 15 अर्थात 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये बहेगा। अब हमें कितना दूर जाना है, 10 किलोमीटर, रफ्तार क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तो समय कितना लगेगा। अब क्योंकि हमें जाना है 10 किलोमीटर और रफ्तार है 40, तो ये आएगा 1/4 आवर्स अर्थात 1/4 × 60 इक्वल टू 15 मिनट, अर्थात जो दूरी अपस्ट्रीम में 1 घंटे में तय होगी वही दूरी डाउनस्ट्रीम में 15 मिनट में तय होगी। और यही हमारा जवाब है कि जो दूरी है वह डाउनस्ट्रीम में 15 मिनट में तय की जाएगी। अब हम देखते हैं एक और सवाल, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तैर सकता है और अपस्ट्रीम में समान दूरी तय करने में उसे दुगुना समय लगता है, तो धारा प्रवाह की रफ्तार क्या है। इसमें दिया गया है प्रश्न जो है वह है, यदि व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तैर सकता है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसे देखेंगे, तय कर सकता है 10 किलोमीटर पर आवर शांत जल में व्यक्ति की रफ्तार है, व्यक्ति की स्पीड है, और अपस्ट्रीम में उसे समान दूरी तय करने में अपस्ट्रीम में उसे दुगुना समय लगता है। जो डाउनस्ट्रीम है, मान लीजिए डाउनस्ट्रीम में उसे 1 घंटा लगा, तो अपस्ट्रीम में उन्हें लगेगा 2 घंटा, डाउनस्ट्रीम में उतनी ही दूरी तय करने में मान लीजिए उन्हें लगा 2 घंटा, तो अपस्ट्रीम उन्हें लगेगा 4 घंटा, दुगुना। तो धारा प्रवाह की रफ्तार हमें इसमें जानना है, तो टाइम इनको लग रहा है डबल, तो हम इसे लिखेंगे इस प्रकार से, जो टाइम है इन अपस्ट्रीम जो टाइम है वह इक्वल टू टाइम डाउनस्ट्रीम अपॉन टू, सॉरी, ये इनटू टू, जो डाउन स्ट्रीम उनको टाइम लग रहा है उसका डबल टाइम लग रहा है उनको अपस्ट्रीम में। तो मान लीजिए जो स्पीड है वह एक्स है, तो उन्हें डाउन स्ट्रीम में लगेगा 2x, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पीड जो है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम जो है
ये डबल होगी। मान लीजिए स्पीड इन अप स्ट्रीम एक्स है, तो डाउन स्ट्रीम इन्हें दुगुना स्पीड मिलेगा, क्योंकि डाउन स्ट्रीम तेजी से जा रहा है तो उन्हें डबल रफ्तार के साथ जाना है डाउन स्ट्रीम में। अब देखिए यहां पे दिया गया है शांत जल में रफ्तार है 10 किलोमीटर पर आवर, तो शांत जल में जो रफ्तार होगा वह होगा स्पीड इन डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड इन अप स्ट्रीम अपॉन टू, और यह होगा व्यक्ति का रफ्तार जो है स्पीड इन स्टील वाटर। तो स्पीड इन स्पीड स्टील वाटर दिया हुआ है 10 है, स्पीड जो डाउन स्ट्रीम पे है वह 2x है प्लस x अपॉन 2। अब यहाँ आ गया 3x इक्वल टू 20, तो x क्या होगा 6.67 किलोमीटर पर आवर, और धारा का रफ्तार क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा बस, धारा जो है वह होगा s ds माइनस s us ऑन 2, अर्थात 2x माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू x अपॉन 2, और x हमारे पास है 6.67 बटा 2 अर्थात 3.33 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें हमने निकाल लिया कि स्पीड धारा की क्या है, स्पीड जो शांत जल है उसमें क्या है, ये हम यहां पे निकाल सकते हैं, धारा की रफ्तार भी निकल गई हमारी, और साथ ही साथ जो प्रवाह है वह भी निकल गया है। अब हम देखते हैं एक और सवाल, अगर किसी व्यक्ति या नाव द्वारा प्रतिकूल प्रवाह में लिया गया समय अनुकूल प्रवाह से दुगुना है और धारा की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव की चाल क्या होगी। अभी इसी प्रकार का एक सवाल हमने देखा था, उसका हम दूसरे तरीके से भी हल निकालेंगे। हमारे पास अभी दिया गया है कि प्रतिकूल प्रवाह अनुकूल प्रवाह में समय का अंतर दिया गया है दुगुना और धारा की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव की चाल क्या होगी। तो धारा की चाल दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर यहां दी गई है। अब समय जो है वह दुगुना लगता है, अर्थात अभी जो हम सवाल देख रहे थे वही है, इसको थोड़े से दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए दूरी d है और नाव की रफ्तार जो है वह x है और धारा की चाल धारा की रफ्तार हमें दी गई है y, तो ये हमें 10 दी गई है लेकिन हम इसमें मान रहे हैं कि अभी मान लीजिए ये y है, तो यहां पे जो दूरी है अपस्ट्रीम में जो है, अब दोनों का समय का अनुपात दिया गया है 1/2, अर्थात जितना वो समय लगता है उनको डाउन स्ट्रीम में उससे दुगुना समय लगता है अप स्ट्रीम में। तो इसको हम प्रयोग करेंगे अभी। अब देखिए दूरी है d,
तो उनको डाउन स्ट्रीम में अर्थात अनुकूल प्रवाह में कितना समय लगेगा, दूरी आपका स्पीड है x और ये y, तो ये लगेगा x प्लस y और ये लगेगा आपको अनुकूल प्रवाह में अर्थात डाउन स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा, d अपॉन x माइनस y। अब अनुपात दिया गया है 1/2, तो जो अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वह है 1/2 है, तो ये होगा आपका, यहां से हम ले लेंगे जो समय यहां पे अप स्ट्रीम का, d अपॉन x माइनस वाई अपॉन d अपॉन x प्लस वाई, ये कट जाएगा। अब बचेगा आपके पास 2 इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई अर्थात 2x माइनस 2y इक्वल टू x प्लस वाई। अब इससे आ जाएगा x इक्वल टू 3y, लेकिन y हमें पहले ही दिया गया है 10, यहाँ हम रख लेंगे x इक्वल टू 3 × 10 अर्थात 30 किलोमीटर पर आवर, अर्थात नाव की रफ्तार क्या होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। अब हम एक और सवाल देखते हैं, मान लीजिए एक नाव है वह ट्रेवल कर रही नदी में और नाव जो है वह नदी की प्रतिकूल दिशा में सफर करती है 24 किलोमीटर और साथ में वही नाव अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर सफर करती है 6 घंटे में, अर्थात 24 किलोमीटर अनुकूल विपरीत दिशा में और 36 किलोमीटर सही दिशा में, साथ ही ये 6 घंटे में तय की। अब एक और स्थिति में विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर और अनुकूल दिशा में 24 किलोमीटर तय करती है 6.5 घंटे में, तो धारा की गति क्या है और नाव की चाल क्या है, तो इस सवाल को हम देख लेंगे। विपरीत दिशा इन डाउन स्ट्रीम में क्या कंडीशन है, वह 24 किलोमीटर तय कर रहा है और अप स्ट्रीम ये साथ में कर रहा है 36 किलोमीटर, कितने देर में, 6 घंटे में। दूसरा कंडीशन डाउन स्ट्रीम पे 36 किलोमीटर और अप स्ट्रीम पे 24 किलोमीटर, कितने देर में, 6.5 घंटे में। तो हमें जानना है धारा की स्पीड, स्पीड ऑफ धारा क्या है और स्पीड ऑफ बोट क्या है। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम में 24 घंटे जाता है प्लस अप स्ट्रीम में 36 किलोमीटर जाता है, वो लगता है उसको 6 घंटे में। धारा वही है, रफ्तार वही है, धारा की कांस्टेंट है, लेकिन वो ट्रेवल कर रहे हैं जैसे पहले 36 किलोमीटर अनुकूल प्रवाह में गए और फिर 24 किलोमीटर प्रतिकूल प्रवाह में 6.5 घंटा लगा, उसी प्रकार पहले कंडीशन में अनुकूल प्रवाह में 24 किलोमीटर गए, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ये अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है, तो प्रतिकूल प्रवाह में गए 36 किलोमीटर और अनुकूल प्रवाह में गए 24 किलोमीटर, तो रफ्तार क्या होगा। तो मान लीजिए धारा की रफ्तार और नाव की रफ्तार, मान लीजिए वो
क्योंकि इस कंडीशन में यह है कि अपस्ट्रीम में उनको एक स्पीड फिक्स मिलेगी। तो मान लीजिए अपस्ट्रीम में स्पीड है एक्स और डाउनस्ट्रीम में है वाई, स्पीड तो सेम रहेगी दोनों कंडीशन में, लेकिन उन्होंने दो प्रकार से तय किया है दूरी को। तो जो अपस्ट्रीम का 24 किलोमीटर है उसमें कितना समय लगेगा उनको, दूरी अपॉन स्पीड प्लस दूरी अपॉन स्पीड इक्वल टू कितने घंटे हैं, 6 घंटे। दूसरा कंडीशन 36 अपॉन एक्स प्लस 24 अपॉन वाई इक्वल टू 6.5, अर्थात इसको बदल देंगे हम तो 13/2 आएगा। अब मान लीजिए 1x इक्वल टू यू लेते हैं और 1y लेते हैं हम v, तो ये समीकरण बदल जाएगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा 24u प्लस 36v इक्वल टू 6 और यहाँ हो जाएगा 36u प्लस 24v इक्वल टू 13/2। अब ये हमारे पास समीकरण एक है, यह है समीकरण दो। अब समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो हम यहां पे देख सकते हैं कि इसे हम इस पार ले आएंगे 2 को ऊपर, तो ये हो जाएगा 22u प्लस 48v इक्वल टू 13, ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए हमने समीकरण 1 को गुणा किया 3 से तो हमें मिलेगा 72u प्लस 108v इक्वल टू 18 और समीकरण जो हमारा 3 है वह है 72u प्लस 48v इक्वल टू 13। तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा, ये आएगा यहाँ पे आपका 60v इक्वल टू 5, तो v आपका क्या होगा 5/60 और v हमारे पास है 1/y, अर्थात यहाँ से y क्या होगा 60/5 अर्थात 12 किलोमीटर पर आवर। जो रफ्तार है डाउन स्ट्रीम में वह, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, तो यहाँ पे हम जो हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला उस पर हम रख लेंगे वैल्यू को यहाँ पर, तो ये आएगा आपका 12 हमें y का मिल चुका है, 24/x प्लस 36/12 इक्वल टू 6 अर्थात 3 हो गया यहाँ पे, तो 24/x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 24/3 अर्थात 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें मिल गया स्पीड। अब यहां ध्यान देंगे कि यहां पर हमें अभी मिला है सिर्फ रफ्तार, डाउन स्ट्रीम में क्या है अप स्ट्रीम में क्या है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सवाल सॉल्व करते समय ये गलती हो जाता है कि ये वैल्यू निकल गया और हम इसे सीधा यहां रख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अब हमारे पास सिर्फ मिला है हमें स्पीड, तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम जो है और स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो अगर धारा की रफ्तार निकालनी है तो हमें क्या करना है, ये रफ्तार और ये रफ्तार, तो ये होगा 12-8/2 अर्थात 4/2 अर्थात 2 किलोमीटर पर आवर, और नाव की रफ्तार क्या होगी 12+8/2 अर्थात 10 किलोमीटर
परावर्त, इस प्रकार से इसे निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तक सॉल्व सॉल्व करने के बाद ये स्टेप हमेशा छूट जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसको भी सॉल्व करना है। तो बोट और स्ट्रीम के सवाल में आज के लिए इतना ही साथियों। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, साथ ही हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके हमसे जुड़िए और अपना मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करिए। साथ ही हमारा जो फेसबुक पेज है उसका लिंक भी हमने आपको नीचे दिया हुआ है, उस पर आप जुड़ के हमारे अपडेट्स आप समय समय पर ले सकते हैं। धन्यवाद।